तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला माधोपुर में मिलन साहनी और उसके पुत्र आशुतोष साहनी के बीच घर के छत पर आपस में कहासुनी हुई, जिसमें दोनों आपस में धक्का मुक्की किए जाने पर धक्का मुक्की के दौरान दोनों छत से नीचे गिर गए, जिससे मिलन साहनी को सिर में गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी देते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि मिलन साहनी की बेटी ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, उसके बाद वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मिलन साहनी की पुत्री ज्योति साहनी ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, कल दिनांक 24/8/2022 को रात में तिवारीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला माधोपुर में एक पिता राम मिलन साहनी और उनके बेटे आशुतोष साहनी के बीच आपस में कहासुनी हो रही थी। चूँकि ये कहासुनी छत पर हो रही थी और इसी में दोनों आपस में धक्का मुक्की कर लिए। धक्का मुक्की के दौरान छत से दोनों नीचे गिर पड़े, जिसमें पिता राम मिलन साहनी के सिर में गंभीर चोटें आईं। उसकी पुत्री ज्योति साहनी द्वारा उसको अस्पताल में ले जाकर के भर्ती कराया गया है, वहाँ से उनको बीआरडी कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। सिर में चूँकि गंभीर चोटें हैं और उसकी बेटी ने ज्योति साहनी ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।